कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ। इस कक्षा में आज हम लोग सूरदास जी के द्वारा लिखे गए आपके कोर्स में जो पद का शीर्षक है उसमें से तीसरा छंद हम लोग पढ़ेंगे। यह तीसरा छंद वात्सल्य से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको जो पिछले दो छंद पढ़ाए मैंने बताया वो विनय के पद हैं। पहले में वो चरण कमल बंधो हरिराई भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। दूसरा है अभिगत गति कछु कहत न आवे कि वो निर्गुण ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते इसलिए सगुण की उपासना करते हैं। अब तीसरा वो जो सगुण की उपासना करते हैं सगुण पद गावे जो उन्होंने कहा सगुण की लीलाएं गाते हैं उससे संबंधित हम ये आपको तीसरा पद पढ़ेंगे। पद को एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कहते हैं तिलकत कान्ह फुटुवनी आवत मणिमय कनक नंद कर आंगन बिंब करिबो धावत कबहु निरग हरिया पुछाह को कर सो पकरन चाहत कनक भूमि कर पर एक मिनट उनकी एक लाइन छूट गई है। कहते हैं किलक हसत राजत द्वैतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाई कर राजत करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत। और फिर कहते हैं कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। देखिए इसमें श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन है। जानते हैं बच्चा छोटा होता है 6-7 महीने का जब वो चलकर खड़े होकर नहीं चल पाता तो घुटनों के बल पर अपने चलता है जिसको घुटरन कहते हैं। घुटुरुमनी शब्द कहा गया है अर्थात घुटनों के बल पर चलना जैसे बकैया चलना कहते हैं। तो कृष्ण कान अर्थात भगवान श्री कृष्ण वो घुटनों के बल चलते हुए आते हैं नंद जी के आंगन में। छोटा सा बच्चा बाहर तो खेलने जाएगा नहीं जो पहले चल नहीं पा आंगन में कमरे में बिस्तर पर ही सब जगह खेलता है वो नंद जी के आंगन में खेल रहे हैं। नंद जी जो हैं वो ब्रजमंडल के रहने वाले जो ग्वाले हैं उनके सरदार हैं। वो ग्वालों के राजा थे और कंस के यहाँ सामंत थे। सामंत का अर्थ होता था कि राजा एक क्षेत्र विशेष का अधिकार देता था जहाँ से वसूले गए कर को सामंत लोग राजा तक पहुँचाते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि राजा कंस ने ब्रजमंडल में नंद के रूप में एक इनकम टैक्स ऑफिसर रखा था जो वहाँ से कर वसूल करके कंस के कोष में जमा करवाता था। तो हुआ कि कृष्ण किलकत किलकारी मारने का मतलब होता है जब छोटा सा बच्चा हंसते हुए तालियां बजाते हुए घुटनों के बल चलता हुआ हंसता जोर जोर से तो लोग हंस उसको देख कर खुश होते हैं। आप देखिए हम अपने छोटे बच्चे को लेकर हंसाने की कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हंसे क्योंकि हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए ताली बजाते हुए हंसते हुए नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चले आ रहे हैं। पंक्तियों का अर्थ आप देखते रहिए ध्यान से किलकत कान घुटुरुवन यावत किलकत अर्थात किलकारी मारते हुए कान हमारे कान्हा कन्हैया श्री कृष्ण घुटुरुवन यावत घुटनों के बल चल रहे हैं आ रहे हैं। मणिमय कनक देखिए नंद कर आंगन नंद का आंगन अर्थात नंद जी का जो आंगन है घर का आंगन जो है वो कैसा है मणिमय मणिमय अर्थात मणियों से जड़ा हुआ मणि का अर्थ मणि और मय माने जड़ा हुआ। उन्होंने आप देखे जैसे लोग घरों में फर्श वगैरह बनवाते हैं उसमें रंग लगवा देते हैं कुछ लोग कांच की गोलियां या कुछ ऐसी चीज़ें आज तो टाइल्स हो गया पहले लोग आज भी कुछ जगहों पर दीवारों वगैरह पर कुछ सिक्के लगवा देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें उसमें बीच में रख देते हैं जो चमकदार हो जो सुंदर दिखे। तो ऐसे ही उन्होंने नंद ने अपने आंगन में क्या मणियाँ जड़वा रखी हैं। तो मणिमय है वह आंगन जो उनका है वो मणियों से जड़ा और कनक सोने से जड़ा हुआ है उसमें कुछ सोने से बनी हुई रत्नों की बनी हुई मणि लगी हुई है जैसे कहीं पर सोने के सिक्के लगा दिए कहीं पर लाल नामक एक पत्थर होता है जिसको मणि कह सकते हैं कहीं स्फटिक लगा हुआ है कहीं चांदी का कुछ लगा है जो चमक रहा है आंगन में प्रकाश है। तो देखिए आज के जैसे टाइल्स भले ही उस समय ना रहे हों लेकिन जो था उसी को बहुत अच्छे से लगाया जाता था। आज भी आप देखिए प्राचीन मंदिरों की जो दीवारें हैं वो आज के बने हुए नई सतह नई दीवारों से काफ़ी मजबूत भी हैं और काफ़ी सुंदर भी हैं उनमें पुरानी कलाकृतियाँ भी हैं। तो नंद जी का जो आंगन है वो मणियों से जड़ा हुआ है उस मणिमय कनक नंद के आंगन सोने और मणियों से जड़े हुए नंद के आंगन में बिंब पकड़े गो धावत। अब आप देखिए जब मणियाँ जड़ी हुई हैं तो मणियों से प्रकाश उत्पन्न होता है या आप मान लीजिए जब कांच स्फटिक मणि कांच के सदृश है मणियों पर जब कृष्ण की परछाई पड़ेगी तो वो अपनी छाया देखते हैं
उसे पकड़ने दौड़ते, बिंब का अर्थ है परछाई, कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने भाव अर्थात दौड़ते हैं। मणिमय कनक नंद कर आनंद बिंब पकड़ी मंथाव, मणियों से जड़े हुए नंद जी के सोने से, सोने और मणियों से जड़े हुए सांगन में श्री कृष्ण अपनी बिंब को, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन क्या कोई अपनी परछाई पकड़ सकता, आप परछाई की तरफ बढ़ोगे वो और आगे बढ़ जाएगी। तो कृष्ण ऐसे दौड़ रहे हैं, पकड़ नहीं पाते तो हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। छोटे हैं तो छोटे बच्चे के वही आगे के दो दांत ऊपर दो दांत नीचे, जिसको छोटे बच्चे के दांत जब निकलते हैं तो उसका दतुली बोलते हैं, दतुलियाँ। यहाँ दतियाँ शब्द का इसीलिए प्रयोग किया गया है, कहते हैं वो हंसते हैं, किलकारी तभी मान रहे हैं कि देखो मैं कैसे हार रहा हूँ, नहीं पकड़ पा रहा हूँ, इसलिए वो हंसते हैं। तो कहते हैं मन में कनक नंद कर आंगन बिंब पकड़ बहुत, मणियों से जड़े हुए नंद जी के आंगन में वो अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे। फिर कबहु निरखि हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत। देखिए कबहु मतलब कभी कभी, निरखि अर्थात देख करके, हरि, हरि कौन है, श्री कृष्ण। अतः कबहु निरखि हरि आप छाह को, आप मतलब अपनी छाह अर्थात परछाई, कभी कभी वो अपनी परछाई को देख कर करसों, कर माने हाथ, हाथों से पकड़ना चाहते हैं, और जब पकड़ में नहीं आती तब किला की हसत, तब ताली बजा करके हंसते हैं, और जब वो हंसते हैं तो राजत दुई दतियाँ, उनके आगे के ये जो दो दांत हैं वो राजत सुशोभित होते हैं, दिखाई देते हैं, सांवले से कृष्ण हैं, चमकदार सफ़ेद दांत दिख पड़ते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो राजत दुई दतियाँ, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके सामने के दो दांत दिखाई पड़ते हैं, सुंदर दांत, राजत अर्थात तो जो सुशोभित हैं अर्थात सुंदर हैं, वो दिखाई पड़ जाते हैं। पुनि पुनि तिही अवगाहत, वो बार बार ऐसा ही प्रदर्शित करते हैं। अवगाहत का मतलब होता है दिखाना, वो बार बार परछाई पकड़ने दौड़ते हैं, पकड़ नहीं पाते, ताली बजाते हैं, हंसते हैं और उनके दांत दिखाई पड़ते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि कबहु निरखि हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत, कभी कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख कर हाथ से पकड़ना चाहते हैं, और जब पकड़ नहीं पाते हैं, हाथ में परछाई नहीं आ रही, तो किलक हंसत, किलकारी मार कर हंसते हैं, राजत द्वी दंतियाँ, तब उनके सामने के मुख के में जो सामने दो दांत हैं वो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। पुनि पुनि तिही अवगाहत, भगवान श्री कृष्ण बार बार उन्हीं दांतों को दिखाते हैं, यानी बार बार हंसते हैं, बार बार दांत दिखाई देते हैं। अब एक नई उपमा, उपमा का अर्थ होता है तुलना, आप जानते हो उपमा अलंकार में पढ़ाया जाता है, उपमा अर्थात तुलना, जहाँ तुलना की जाती है दो वस्तु की वहाँ उपमा है। सूरदास एक और उपमा सोचते हैं कि कैसी तुलना की जाए उसकी। आंगन में मणियाँ लगी हुई हैं, उन मणियों पर आप देखिए, मणियाँ छोटी पत्थर की मोतियों जैसी भी हो सकती हैं, बड़ी गेंद जैसी भी हो सकती हैं। तो होता क्या, जब उस पर परछाई कृष्ण की पड़ती है तो आपने पढ़ा कृष्ण के कर कमल हैं, चरण कमल हैं और नयन भी कमल हैं, तो उनके कमल के समान वो सुंदर सुकोमल, छोटे बच्चे का शरीर वैसे भी बड़ा कोमल होता है, और कृष्ण हल्के से सांवले हैं, तो जब उसकी परछाई शरीर की पड़ती है उस मणि में, तो ऐसा लगता है जैसे इस धरती ने कमल के आसन लगा दिए, उन मणियों में क्या है, कमल रख दिया, वो कमल का फूल जिस पर आकर कृष्ण बैठे। कैसा नहीं, ये सूरदास जी की अतिशयोक्ति है, ये उनकी कल्पना है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो कहते हैं देखिए कि कनक भूमि पर, उस सुनहरी जमीन पर जिसमें सोने और मणियाँ जड़ी हुई है, उस कनक भूमि पर अर्थात सुनहरी भूमि पर कर पग छाया, अब देर घुटने के बल जब चलेंगे तो हाथ भी जमीन पर होगा, तो हाथ की और पैरों की छाया जब पड़ती है उस सुनहरी भूमि पर, तो यह उपमा इक राजति, तो यह उपमा एक राजत का मतलब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, यह देखकर यह दृश्य कुछ इस तरह से लगता है जैसे करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, मानो वसुधा अर्थात पृथ्वी ने करी करी हर एक प्रतिपद उनके प्रत्येक पैर के नीचे और प्रतिमणि प्रत्येक मणि में उनके अर्थात उनके हर एक हाथ के करी करी हर हाथ के नीचे और प्रतिमणि प्रत्येक मणि के नीचे, प्रतिपद वसुधा जो जमीन है धरती है, यह कमल बैठकी साजत, इसने कमल के आसन लगा दिए, बैठकी मतलब आसन कुर्सी इसको कहते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे धरती ने हर एक मणि में कमल के आसन लगा रखे हैं जिस पर आकर कृष्ण बैठेंगे। भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया जब उस सुनहरी जमीन पर मणियों से जुड़े हुए आंगन में पड़ती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे धरती ने उनके प्रत्येक हाथ, जहाँ जहाँ हाथ पड़ता है वही अर्थात प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर के नीचे हर एक मणि में
कमल के आसन सजा रखे हों जिस पर आकर के श्री कृष्ण बैठ जाए। अब वो किलकारी मारते हुए निरंतर आंगन में घूम रहे हैं, परछाई पकड़ने दौड़ रहे हैं। तो इसी समय कहीं से यशोदा जी आ जाती हैं। अब वो देखती हैं कि उनका जो लल्ला है, लल्ला ही कहती थी वो कैसे किलकारी मारकर खेल रहा है, अपनी ही परछाई को पकड़ने दौड़ रहा है। तो वो उस बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। देखिए यशोदा जी कह बाल दशा सुख, कृष्ण के बाल दशा के बचपन के खेलों को देखती हैं तो सुखी होती हैं। तो वह बाल दशा का कृष्ण के जो खेलों का जो सुख है उसे निरख देख करके यशोदा माता जो हैं वो पुनि पुनि नंद बुलावत बार बार नंद बाबा को आवाज़ लगाती हैं कि आइए आप भी देखिए आपके सपूत कैसे खेल रहे हैं अकेले में। कुछ भी आपके लिए जब छोटे बच्चे कोई विचित्र करते हैं तो लोग बिना उन बच्चों को बताए धीरे से किसी और को बुलाते हैं, आ जाओ तुम भी देखो क्या कलाकारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही नंद जी को यशोदा जी बुलाती हैं, कहते हैं बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलाओ, बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। और फिर आचरा तरल ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, सूरदास जी कहती हैं। फिर माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लेती हैं और अपने आंचल से ढक करके उन्हें दूध पिलाती हैं। अब देखिए महिलाएं जब भी शिशुओं को स्तनपान कराती हैं, दूध पान कराती हैं, तो उन्हें अपने आंचल से ढक लिया करती हैं। ऐसे ही यशोदा जी भी भगवान श्री कृष्ण को आंचल से ढक करके दूध पान करवा रही हैं। तो सूरदास इस पद में कृष्ण के इस बाल सौंदर्य का, बाल रूप का वर्णन करते हैं। इन्होंने अपने ही एक और पद में भी ऐसा कहा है कि शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत माने होता मक्खन, भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में मक्खन लिए हुए हैं। कहते हैं घुटरुनि चलत, वो अपने घुटनों पर चल रहे हैं, रेणुतन मंडित और पूरे शरीर में रेणु अर्थात धूल, धूल से शरीर सना हुआ है, लिपटा हुआ है। और घुटरों ने चले तो रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए और मुख पर दही लगी हुई है। वो क्या करते हैं, एक हाथ में माखन है, एक हाथ जमीन पर टिका हुआ है और घुटनों के बल सहारा लेते हैं, छिपने के लिए जा रहे हैं, माखन चुरा कर लेकर भागते हैं। तो सूरदास जी ने वहाँ भी लिखा है, जैसा मैंने तो कई बार पहले भी कहा है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण मिट्टी तक खा गए इस धरती की, इसीलिए इस धरती को परम पवित्र कहा गया, ये भारत भूमि है, यहाँ की भूमि पावन है। भगवान भी जब आता है तो वो इस मिट्टी का इतना सम्मान करता है कि उसको अपने मुख में रख लेता है। फिर हम लोगों का विषय वह नहीं है, हम तो केवल बस कृष्ण के बाल सौंदर्य को ही देखकर आनंदित होंगे। देखिए सूरदास के पद कुछ बड़े हैं, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, लगभग सभी सब्जेक्ट आपको इस तरह से मिल रहे हैं, हर टीचर पढ़ा रहा है। सरकार ने भी ऑनलाइन पढ़े भारत इस संबोधन के साथ एक नई मुहिम चलाई है, जिसमें बच्चों को घर बैठे ही सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है सरकार द्वारा कुछ ऐसा संचालन किया जाए, कुछ विशेषज्ञ अध्यापक जो होंगे यहाँ के भी कहीं के भी, उनके देख रेख में एक ऑनलाइन क्लास का हो सकता है कोई कार्यक्रम टेलीविजन पर भी आए, क्योंकि ऐसा बताया जा चुका जा रहा है अखबार वगैरह में, मैंने देखा है कि ऑनलाइन पढ़े भारत इस मुहिम के तहत भारत सरकार या मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा है कि कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे बच्चे टेलीविज़न के माध्यम से या फिर इन ऑनलाइन संचार माध्यम जैसे आपका ये फ़ोन है इसके माध्यम से कंप्यूटर लैपटॉप इत्यादि पर कुछ पढ़ सकें। मैंने आज के समाचार में पढ़ा, आप लोगों ने भी शायद सुना हो या पढ़ा हो कि संसाधन विकास मंत्री महोदय ने कहा है कि तब तक विद्यालयों को खोलने का प्रश्न नहीं उठता जब तक पूरी तरह से देश सुरक्षित ना हो जाए। तो आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा भीड़ चूँकि विद्यालय में होती है, किसी भी प्रकार से भीड़ को वहाँ से निवारण नहीं किया जा सकता, एक ही तरीका है विद्यालय को बंद कर दिया जाए। तो ऐसी अवस्था में आपके लिए यह व्यवस्था की गई है और हम प्रशंसा करते हैं अपने आदरणीय प्रधानाचार्य की, जिन्होंने सरकार के आदेश के आने से पहले ही इस मुहिम को शुरू कर दिया कि 1 अप्रैल से जहाँ बच्चों का नया सत्र शुरू हो रहा था वहाँ वो घर बैठे हैं। उम्मीद है कि लॉकडाउन अभी और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसे समय में आप लोग घर पर रहते हुए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, क्लास की अपेक्षा आप आधा पढ़िए, चौथाई पढ़िए, लेकिन अपने घर पर कुछ तो कुछ पढ़ते ही रहिए।
इसीलिए मैंने कहा कि जिनके पास अपना फ़ोन नहीं है वो अपने बड़े भाई बहन माता पिता चाचा चाची जो भी घर में आस पड़ोस या घर के ना हों अगल बगल के रहने वाले हों उनसे भी वो जहाँ दूसरे का फ़ोन लेकर गेम खेल लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, उससे अच्छा आप 10 मिनट 15 मिनट का अपना एक वीडियो देख करके किसी भी सब्जेक्ट का एक दिन में पढ़िए। ऐसा आज के समय में कोई भी घर नहीं है जिसके यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन ना चलता हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग समय का सदुपयोग करें। जहाँ आप विद्यालय में 8 घंटे पढ़ते थे, यदि हर टीचर 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस भेज रहा है तो आपका 1 घंटा 2 घंटा या बहुत अधिक तो 3 घंटे का समय प्रतिदिन जाएगा। घर पर खाली बैठ करके मनोरंजन करने से, केवल सोते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, अब देखिए कुछ राज्यों से खबर आई है कि 17 जून 15 जून तक उन्होंने विद्यालय बंद कर दिए हैं अभी से ही, जबकि ऐसा ना तो अभी केंद्र सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया। उम्मीद करते हैं, अपने उत्तर प्रदेश के भी दुर्दशा देख ही रहे हैं, यहाँ भी बहुत लोग हो चुके हैं, इस समय 400 के आसपास संख्या पहुँच रही है जो कोरोना वायरस से इफेक्टिव हो चुके हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद यही करते हैं कि जुलाई के पहले तो विद्यालय किसी भी परिस्थिति में नहीं खुलना है। इसलिए हम लोग भी यथासंभव प्रयासरत हैं कि आपका नुकसान न होने पाए, आपका भी समय निकलता रहे, पढ़ाई भी होती रहे। अतएव थोड़ा थोड़ा करके ही हम आपको पढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। आपको हर दिन एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक और एक नई जानकारी मिलती रहेगी। चलिए एक बार फिर से अपने पद पर वापस लौटते हैं। सूरदास जी द्वारा रचित यह कृष्ण वात्सल्य से संबंधित जो हमारा पद है कि किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत। देखिए एक बार मैं लाइन टू लाइन इसका अर्थ स्पष्ट करूँगा, इसके बाद सीधे एक बार मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। उससे पहले हम ये जान लें, आप लोग रफ वगैरह में कभी कभार इसको लिखने का भी अभ्यास करते रहिए, अपनी तरफ से आप प्रयास कीजिए। जैसे हम लिखने देखे, हाई स्कूल की परीक्षा में संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाती है और इसमें काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं। होता क्या है, जैसे कि आपको संदर्भ लिखना हुआ इस सूरदास के पद का, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए मैं बोलता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। आप लिखेंगे प्रस्तुत व्याख्या पद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद ये नहीं लिखना है कि इसके रचयिता सूरदास, क्योंकि हम पहले ही लिखते हैं सूरदास द्वारा रचित पद नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग क्या है, इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है, जो आपने पहला पढ़ा इसमें चरण कमल बंधो हरि नहीं आप लिख सकते हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। दूसरा पढ़ा है आपने अभिगत गति कछु कहत न आवे, इसमें सगुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया है। और तीसरा इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया जो हम आज पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखिए कहते हैं किलकत कान घुटुरुवनि आवत, भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कर आंदन बिंब पकड़ी बहुत, मणिमय कनक वो सोने और मणियों से जड़े हुए नंद कर आंगन, नंद के आंगन में बिंब पकड़ी बहुत धावत, अपनी परछाई को पकड़ी बहुत पकड़ने के लिए धावत अर्थात दौड़ते हैं। कब हम निरख ही हरि आभूषण कभी कभी, कब हम अर्थात कभी कभी निरख देख कर हरि श्री कृष्ण आभूषण को अपनी परछाई को अर्थात कभी कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख कर करसों पकड़ना चाहते, हाथ से पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो पकड़ में आती नहीं तो हंसते हैं। किला की हंसत राजत द्वैत हतियाँ पुनि पुनिति अवगाहत, वो किलकारी मारकर हंसते हैं तब उनके जो सामने के दो दांत हैं वो दिखाई पड़ते हैं और पुनि पुनिति ही होगा तो बार बार ऐसा करके वही दांत दिखा रहे हैं, बार बार हंस रहे हैं। कहते कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत है, उस सोने से जड़ी हुई भूमि पर उनके हाथ और पैर की जब परछाई पड़ती है, कर पग छाया हाथ और पैर की परछाई जब पड़ती है तो यह उपमा यह दृश्य एक राजत कुछ इस प्रकार से सुशोभित होता है। इसकी इस दृश्य की तुलना कुछ इस तरह से उपमा कुछ ऐसी दी जा सकती है जैसे कि कर कर प्रतिपद हर एक हाथ और हर एक पैर के नीचे प्रतिमणि प्रत्येक मणि में वसुधा पृथ्वी में कमल बैठकी साजती, जैसे कमल के आसन सजाते हैं। कहते हैं बाल दशा सुख निरख ही जसोदा, यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण के उस बाल दशा बाल रूप के उस सुख को उनकी बाल लीला को देख करके प्रसन्न होती हैं
और पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुला रहे हैं। और सूरदास कहते हैं कि अचरा तर ले ढाँ के सूर के प्रभु को दूध पियावत माता नंद यशोदा जी। सूरदास के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर आंचल से ढक करके दूधपान करवा रहे हैं। अब मैं इसका एक बार सीधे तौर पर स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। आप केवल पढ़े, मैं पद नहीं पढ़ूंगा, केवल और केवल इसका अर्थ बोलता जाता हूँ। किताब से आप मिलाइए, देखिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए नंद बाबा के मणियों से जड़े हुए सुनहरे आंगन में घुटनों के बल चले आ रहे हैं। देखिए पहली और दूसरी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो गया, आप अलग करना चाहें तो ऐसे लिखिए कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। सोने और मणियों से जड़े हुए नंद बाबा के आंगन में वो अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर हाथ से पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो नहीं पकड़ पाते अपनी परछाई को तो किलकारी मारकर ताली बजाकर हंसते हैं और तब उनके सामने के दो दांत दिखाई पड़ जाते हैं जो बड़े सुंदर लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार ऐसा करते हैं, बार बार परछाई पकड़ते हैं और बार बार हंसते हैं। सोने से जड़ी हुई उस भूमि पर जब श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की परछाई पड़ती है तो यह दृश्य कुछ इस प्रकार से लगता है जैसे उनके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर के नीचे हर एक मणि पर पृथ्वी ने जैसे कमल का आसन, कमल की बैठकी सजा दी होगी। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के उस आनंद को देख करके, उनकी बाल लीला को देख कर माता यशोदा बहुत प्रसन्न होती हैं और बार बार नंद बाबा को वह दृश्य देखने के लिए बुलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर अपने आंचल से ढक करके स्तनपान कराती हैं या दूध पिला रही हैं। इस तरह यह पद पूरा होता है। इसके बाद देखिए काव्यगत सौंदर्य में इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। दूसरा पॉइंट आपका होता है भाषा, ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है। रस जो इसमें है वात्सल्य रस है, इसमें संतान के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। वो गोद में लेकर स्तनपान करवाना या फिर उनके सुख को देखकर नंद को बुलाना, ये वात्सल्य माता का प्रेम है, तो वात्सल्य रस। छंद आपका गेय पद है। अलंकार जो आपका है इसमें उपमा शब्द ही दे दिया गया है, जैसे धरती ने मानो कमल के फूल सजा दिए तो उपमा अलंकार है। करी करी में पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश है और फिर आपका अनुप्रास अलंकार भी है। थोड़ा सा अतिशयोक्ति भी है, जैसे मणि में धरती ने कुछ सजाया नहीं लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे सजा दिया, तो अतिशयोक्ति भी है। तो छंद अलंकार ये सब लिखने के बाद गुण इसमें माधुर्य का है, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है इसमें जो ना लिखा जा सके। इसकी विशेषता आप समझ ही गए हैं कि कृष्ण कैसे परछाई पकड़ने दौड़ रहे हैं। कुल मिलाकर सूरदास का उद्देश्य कृष्ण के उस बाल स्वरूप का, उनके बाल सौंदर्य का वर्णन करना। देखिए श्री कृष्ण का बाल स्वरूप ही सूरदास का इष्ट था, वो भी कृष्ण के उस बाल रूप में ही उनका ध्यान करते हैं। और तुलसीदास जी ने श्री राम का भी बचपन में जो उनका सुंदर स्वरूप है उसी में ध्यान किया है। खैर तो हम लोग आज इस टॉपिक को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगला आपका जो पद है वो थोड़ा सा हास्य पद है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहेंगे माता यशोदा से कि मैं अपनी सारी गायें चराने जाऊँगा। देखिए कल संडे है, कल का वीडियो मैं थोड़ा सा लंबा और ज़्यादा करना चाहूँगा, कल दो पद आपको पढ़ाऊँगा, जिससे कि कम से कम एक पीरियड का समय देना होगा आपको, दो पद आपके पढ़ाए जाएंगे क्योंकि वो दोनों एक ही से संबंधित हैं। एक में श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपनी सारी गायें चराने के लिए जाऊँगा, बाकी सारे बच्चे जाते हैं गाय चराने, मैं घर पर बैठा रहूँ, ये कैसे हो सकता है जो गाय चराने जाते हैं। और दूसरा पद जो है गाय चराने के बाद जब श्री कृष्ण थक गए, पैर दर्द करने लगा, बच्चे हैं थोड़ा चल के थक गए, तो दूसरे दिन कहते हैं कि मैया हूँ न चराई हूँ गाय, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा, सभी ग्वाले मुझे बहुत चलाते हैं, मेरे पैरों में पीड़ा हो रही है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे से संबंधित पद हैं, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा। हाँ अगर कोई आपको समस्या होती है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से या फिर मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अभी इसको पढ़ते रहिए, जिस दिन ये पाठ खत्म होगा इसके अभ्यास से संबंधित मैं आपको कुछ समझाऊंगा, लिखने का तरीका भी बताऊंगा, अभ्यास में क्या क्या आपको लिखना है। आप अपनी पुरानी कॉपियों या रफ वगैरह में इसका एक
वैसे ही रफली कुछ नोट करते रहिए, जिससे आपके लिखने का अभ्यास बना रहे, अन्यथा आप जानते हो लिखने पढ़ने का अभ्यास बहुत जल्दी भूल जाता है। सरदार पूर्ण सिंह या पदमलाल पूनालाल बख्शी शायद 10वें या उन्होंने भी कहा है कि बुराइयों का अभ्यास बड़ी जल्दी हो जाता है। हम 2 महीने 3 महीने घर पे रहेंगे, इससे हमारा शरीर आलसी हो जाएगा, बार बार लेटने का, सोने का, घूमने टहलने का मन करेगा। लेकिन हमने जो 9 साल से, पिछले 10 साल से पढ़ाई की, उसी पढ़ाई से मन उब जाएगा। आप देखिए जो 9 साल से करते आए वो छूट जाएगा, 3 महीने की छुट्टी में आलसी हो जाएंगे। इसलिए निरंतर रेगुलरिटी बनाए रखिए, आप लोग पढ़ते रहिए और भविष्य के लिए जो भी समस्या होगी सूचित करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।